वैधानिक चेतावनी, अगर आप सच सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले तथा हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को अधिक से अधिक संख्या में ज्वाइन करें। यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो पैट्रियन एंड यूपीआई आईडी का लिंक तथा टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि आप सभी ने ध्यान दिया होगा, एफवीपी ट्रेड को लेकर मैंने एक इंट्रो वीडियो बनाया था आज से कुछ दिन पहले। उस वीडियो में मैंने आप सभी से रिक्वेस्ट की थी कि कृपया करके अभी प्रेजेंट टाइम में अपनी गाड़ी कमाई का पैसा एफवीपी ट्रेड में ना लगाएं, क्योंकि ये एक स्कैम है, एक बहुत बड़ा घोटाला है, राइट? अब बहुत सारे व्यक्ति उस इंट्रो वीडियो में ही मुझसे कह रहे थे कि प्रूफ दिखा। उन बुद्धिजीवियों को ये समझना चाहिए कि एक इंट्रो वीडियो है। यदि मैं एक ही वीडियो को एक घंटे का बना के आपको दे दूंगा तो आप लोग देखोगे नहीं, राइट? जिसे इंटरेस्ट होगा वो भी नहीं देखेगा, क्योंकि एक साथ एक घंटा कोई भी नहीं निकालते, ये सच्चाई है, राइट? नहीं तो करने को तो मैं लाइव स्ट्रीम कर दूंगा, एक क्या दो घंटे की कर दूँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग देखते ही नहीं है। तो इसलिए मे बी पॉसिबल ये जो डिटेल्ड वीडियो बनेंगे ये 3-4 पार्ट में बने, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि पार्ट में कम से कम बनाऊँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम से कम समय में बेहतरीन नॉलेज मिल सके, राइट? अब जो मैंने स्कैम बोला था वो क्यों बोला था, राइट? उसका मैं रीज़न बता देता हूँ। 2012 से लेके 2020 तक का इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ये इन्होंने मिटा रखा है। कैसे मिटा रखा है इस वीडियो में आपको पता लगेगा। यदि आपने एफवीपी ट्रेड में पैसा लगा रखा है या फिर आप अपनी टीम बना रहे हैं तो आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए, राइट? वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी की पूरी सच्चाई पता लगे। आपके जो अप्लाई ना वो एक ही बात बोल देते हैं कि भारत में फॉरेक्स जो है वो इलीगल है, राइट? तो इसलिए जो एफवीपी ट्रेड है उसके भी रजिस्ट्रेशन का कोई मतलब नहीं है। मैं बताऊंगा कैसे ये भी बात झूठ है, राइट? तो इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे ताकि हर एक नॉलेज आपको मिल सके, बेहतरीन मिल सके और आपकी लाइफ में कुछ और इजाफा हो सके नॉलेज के मामले में, राइट? तो ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों फर्स्ट में समझ लेते हैं कि भारत में फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है या फिर इलीगल, क्योंकि एफवीपी ट्रेड या फिर इसके जैसी जितनी भी कंपनियां जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग करवाती हैं, इनके जितने भी प्रमोटर्स हैं बस इतनी सी बात कह के निकल लेते हैं कि भारत में फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल है, इसीलिए हमें किसी प्रकार के किसी डॉक्यूमेंटेशन की या फिर हमें कंपनी के रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, राइट? और ये जो कंपनियाँ अपने प्रमोटर्स को प्रोत्साहित करती हैं कि आप और भी लोगों का पैसा लगवाएं, राइट? और जब लोगों का पैसा लगता जाता है तो आप सभी को पता है कि एक वक्त के बाद ये जो कंपनी अपना बोरिया बिस्तरा बांध के निकल लेती है। तो लीगैलिटी को लेके भारत में क्या है फॉरेक्स के मामले में, उसको हम एक बार समझ लेते हैं, ठीक है? तो यदि आपको कंप्लीट आर्टिकल पढ़ना है तो आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, फाइट अगेंस्ट फेक मार्केटिंग टेलीग्राम ग्रुप, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी। आपको बस एक मैसेज करना, कोई ना कोई से एडमिन आपको डिटेल दे देगा, ठीक है? यहाँ पे द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जॉइंटली रेगुलेट फॉरेक्स ट्रेडिंग इन इंडिया अंडर द फेमा एक्ट 1999, ठीक है? 1999 का जो फेमा एक्ट है उसके तहत RBI एंड SEBI मिल के रेगुलेट करती है फॉरेक्स ट्रेडिंग को इंडिया में, राइट? अब ये लोग किस तरीके से इलीगल बोलते हैं आपके जो सीनियर्स हैं, ये बात आपको इनसे पूछनी है, राइट? कि भारत में फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है, ओके? यदि आप ये चाहते हैं कि अगर आप इलीगल ट्रेडिंग करते हैं तो आपको क्या सजा हो सकती है, तो आप कमेंट करिए, मैं आपको वो भी बताऊंगा। और एक बात, आप लोग इस बात को मजाक में मत लेना कि व्यक्ति कुछ भी बोल रहा है, बिल्कुल जेल तक हो सकती है, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ इस बात को, राइट? यदि आप इलीगल ऐसा वर्क करते हैं, और एक्शन जब एक बार हो जाता है ना तो आपको एफवीपी ट्रेड कभी बचाने नहीं आएगा, राइट? सेकंड पॉइंट लीगैलिटी। दोस्तों जैसा कि आप सभी ने समझ लिया कि भारत में फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है, राइट? लेकिन मुझे एफवीपी ट्रेड का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं मिला, कोई भी भारत में रजिस्ट्रेशन नहीं मिला एफवीपी ट्रेड का, इवन किसी अदर नेम से भी इन लोगों ने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा। मैंने इनके बहुत सारे लीडर्स से बात की जो कि इस प्लान को कर रहे हैं, इवन मैंने खुद से भी सर्च किया, भारत में इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, राइट? यानी कि जो इलीगल फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है, राइट, आप वो कर रहे हैं। और यदि आप इलीगल फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो आपको क्या सजा हो सकती है, आप एक बार गूगल कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा, वो सभी लीगल एक्शन जो कि इलीगल फॉरेक्स ट्रेडिंग वालों पर हो सकते हैं वो आप पे हो सकते हैं, राइट? और आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूँ, अभी कुछ दिनों पहले एक कंपनी थी जो कि स्कैम करके गई, मैक्सीजोन, राइट? उस कंपनी के वो व्यक्ति जिन्होंने कि इंटरेस्ट ले लेके कमाया था, वहाँ पे 1,00,000 रुपये लगाते थे, 15,000 रुपये महीने का मिलता था, राइट? उन लोगों के अकाउंट का वो जो अमाउंट है ना वो सीज कर दिया गवर्नमेंट ने,
लाइव स्ट्रीम में एक व्यक्ति ने आके मुझे ये बात बताई है, राइट। तो आप जो पैसा कमाते हैं ना उसको भी सीज किया जा सकता है, याद रखना इस मेरी बात को। लीगल एक्शन होता है ना, एक एक व्यक्ति लपेटे में आ जाता है, तो आप जो कर रहे हैं ये भारत में एक इलीगल वर्क है, क्योंकि भारत में फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है। अब आप लोग अपने अपलाइन से सवाल कीजिए कि जब भारत में फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है तो FVP ट्रेड रजिस्टर्ड क्यों नहीं है, इसका जवाब आपको वो देंगे। वो आपको ऑस्ट्रेलिया का कोई सर्टिफिकेट दिखाए, वो आपको UK का कोई दिखाए, उसका कोई मतलब नहीं है, राइट। भारत में है या नहीं है, सौ की एक बात। क्यों, आप विड्रॉल कहाँ से लेंगे? आप UK जाएंगे निकालने, आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे निकालने? नहीं, अकाउंट में विड्रॉल करेंगे ना, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा पॉइंट, ये लोग सीरियल स्कैमर है। मैं कैसे कह सकता हूँ, आप ये स्क्रीनशॉट देखिए, ये स्क्रीनशॉट है FVP होल्डिंग्स का, राइट। आपको क्या करना है, इनकी वेबसाइट पे जाना है, इनकी वेबसाइट पे आपको इनके ट्विटर अकाउंट का लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ आ जाएंगे स्क्रीनशॉट पे, राइट। यहाँ पर यदि आप ज्वाइनिंग देखेंगे तो जून 2011 में इन लोगों ने इस ट्विटर अकाउंट को बनाया था, किसको, FVP होल्डिंग्स का, राइट। लेकिन जून 2011 का आपको ट्रैक रिकॉर्ड नहीं मिलेगा FVP होल्डिंग्स का, राइट। आप लोग सर्च कीजिए, राइट। जब मैंने भी सर्च करने का प्रयास किया कि ये लोग 2017-16 बता रहे हैं, तो ये 2011 से क्या कर रहे थे, तो आप ये दूसरा स्क्रीनशॉट देखिए। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि जो पुराने इनके स्कैम थे उनको डिलीट कर दिया है, इनके जितने भी पुराने ट्वीट है वो सारे के सारे डिलीट है। सेम यही कहानी FVP ट्रेड के साथ है। आप ये पहला स्क्रीनशॉट देखिए, ये FVP ट्रेड का ट्विटर हैंडल है, ठीक है। ज्वाइनिंग डेट आप लोग वीडियो को पॉज करें या फिर जूम करके देख लें, राइट। इसके बाद इनके भी 2020 से पहले के, यानी कि जब भी ट्विटर अकाउंट बना तब से लेके 2020 तक के सभी जितने भी ट्वीट थे डिलीट है, राइट। उसके बाद के जो ट्वीट है 2020 के बाद के, वो सभी प्रेजेंट है, राइट। अब इन्होंने क्या किया था वो आपको समझना पड़ेगा ना, इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। एक एक करके पढ़ते वो धेड़ूंगा, एक एक करके। वो जो कह रहे थे ना प्रूफ दो प्रूफ दो, प्रूफ में इतने दे दूंगा, लाइन लगा दूंगा। बोल दिया एक बार स्कैम है तो स्कैम है, सौ की एक बात। या तो आँख बंद करके मान लो यदि ट्रस्ट करते हो, नहीं तो प्रूफ चाहिए तो प्रूफ मिलेगा। इसी वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, इस वीडियो का यही एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, आपको और भी ऐसा बहुत कुछ दिखाऊंगा जिससे कि आप सभी को यकीन होगा कि कैसे ये 100% स्कैम है, 101% स्कैम है, और आपको इसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए, इलीगल भी है, राइट। आप यदि ये दोनों स्क्रीनशॉट देखना चाहते हैं FVP होल्डिंग्स प्लस ट्रेड का, ठीक है, तो आप एक काम और कर सकते हैं कि आप खुद इनके ट्विटर हैंडल को देखें और स्क्रॉल करके नीचे जाएं, आप खुद से इतनी इन्वेस्टिगेशन करें, राइट। या फिर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, दोनों स्क्रीनशॉट है वहाँ डाल दूंगा, तसल्ली बख्श देखो, राइट। बाकी दोस्तों ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, अधिक से अधिक ऐसे मित्रों में शेयर करें जो इस स्कैम में फंस चुके हैं। मज़ा आया ना, नेक्स्ट वीडियो का वेट करो और मज़ा आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ। थैंक यू, बाय बाय।